तो सबसे पहले बात करते हैं इम्प्लॉयज़ की। जो इम्प्लॉयज़ के वर्ड्स होते हैं वो ये होते हैं कि उनको एक सुरक्षित, सेफ, सिक्योर जॉब और गुड पे और एक्सेलेंट बेनिफिट वाला कोई काम चाहिए, ठीक है। ये इम्प्लॉयज़ की वर्डिंग होती है। और दूसरा है सेल्फ इम्प्लॉय। सेल्फ इम्प्लॉय का सबसे बड़ा जो मेन थीम है वो है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म दैट मीन्स कि वो हमेशा से काम के ऊपर खुद सारा का सारा कंट्रोल रखना चाहता है। वो कभी भी अपने काम को किसी दूसरे के ऊपर डेलीगेट नहीं करता पूरी तरह से, ठीक है। और वो गलतियों से उसे सबसे ज़्यादा चिढ़ होती है। वो कभी भी अपने काम को किसी दूसरे के भरोसे पर पूरी तरह से छोड़कर वो मतलब काम नहीं करते। तो इसको सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय को स्मॉल बिजनेस भी कहते हैं। और इसमें वो अपने काम को खुद करता है या फिर कुछ लोगों के साथ मिलकर करता है, लेकिन वो काम को पूरी तरह से किसी को सौंपता नहीं है। तो बी क्वाड्रेंट यानी बिजनेस क्वाड्रेंट में, बिजनेस में मेनली तीन चीज़ें हैं, जैसे लीडरशिप है, मैनेजमेंट है एंड डेलीगेशन है। बिजनेस वो है जहाँ मिनिमम कम से कम 400-500 लोग आपके साथ काम कर रहे हो, आपकी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, बिजनेस उसे कहा जाता है। जहाँ पर आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, या फिर बिजनेस वो भी उसको भी कहते हैं जहाँ पर आप फिजिकल अवेलेबल नहीं हो बट स्टिल आपका काम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और आई क्वाड्रेंट मतलब इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब है कि एक बिजनेस से ज़्यादा बिजनेस को सेटअप करना, उसको हम इन्वेस्टर कहते हैं। वर्ड्स यानी कि शब्द हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। और कहते हैं कि अगर आप लोगों का लीडर बनना चाहते हो तो आपको मास्टर ऑफ वर्ड्स बनना होगा। और ख़ासकर बिजनेस के अंदर ये स्किल बहुत ही नेसेसरी है कि आपको वर्ड्स भी, आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किन लोगों के लिए किस तरीके से आपके कौन से वर्ड्स काम करेंगे। एक वर्ड मे बी किसी एक पर्सन के लिए उसको एक्साइटेड कर सकता है, और वहीं पर वही वर्ड किसी दूसरे पर्सन के लिए उसको पूरी तरह से उसके ऑपोजिट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल रिस्क एक ऐसा वर्ड है जो किसी के लिए मे बी बहुत ही एक्साइटिंग भरा हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए ये मे बी बहुत डेंजरस या बहुत ही डर वाला भी साबित हो सकता है। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए जो सबसे ज़रूरी है, पहले नंबर पर ऑनरशिप या कंट्रोल ऑफ सिस्टम, और दूसरा है एबिलिटी ऑफ लीड पीपल कि आप लीड कर सके लोगों को, और उसके बाद है इन्वेस्टर कि आप पैसा इन्वेस्ट कर सके। अमीर लोग अक्सर दो फॉर्मूले यूज़ करते हैं, आपने सुना होगा OPT एंड OPM। OPT मतलब कि अदर पीपल टाइम्स, और OPM मतलब अदर पीपल मनी। और ये खासकर ये OPT और OPM ये ज़्यादातर पी और आई क्वाड्रेंट्स में होते हैं, यानी बिजनेस एंड इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में ही ये दो फार्मूले अप्लाई होते हैं। आप पैसों को अपने आईज के साथ नहीं देख सकते, अपनी आंखों के साथ नहीं देख सकते। पैसा एक आइडिया है और इसको आप क्लियरली अपने माइंड के थ्रू ही देख सकते हैं। ESBI में एक चीज़ और है कि एम्प्लॉय सिस्टम के लिए काम करता है, और सेल्फ एम्प्लॉय उसका खुद का एक सिस्टम है, लेकिन जो बिजनेस है उसमें क्रिएट है वो ऑन करता है और वो सिस्टम को कंट्रोल में रखता है। और इन्वेस्टर के लिए एक पैसा एक सिस्टम है जिसमें वो अलग अलग जगह पर पैसे को इन्वेस्ट करता है और अपने बिजनेस को सेटअप करता रहता है। एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी है, और सेल्फ एम्प्लॉय के लिए सबसे बड़ा जो इशू है वो परफेक्शनिज्म है। हमारे इमोशन जो हैं वो हमारे एक्शन पे बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर डिफरेंट तरीके से हमारे जो इमोशंस होंगे वो उससे डिफरेंट थॉट पैदा होंगे, और डिफरेंट थॉट की वजह से हम डिफरेंट चीज़ करेंगे तो उससे हमें डिफरेंट चीज़ ही मिलेगी। टाइप्स ऑफ बिजनेस सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो बिजनेस है उसे बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आप खुद के बिजनेस को डेवलप करते हैं, ठीक है। दूसरा बिजनेस जिसको हम फ्रेंचाइज बिजनेस के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप किसी बड़े ब्रांड की फ्रेंचाइज लेते हैं, जैसे आप गोपाल स्वीट्स आपने चंडीगढ़ में देखा होगा, ठीक है, या इसके अलावा मैकडी है, मैकडॉनल्ड है, ठीक है। तो तीसरा जो बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस वो है जहाँ पर आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद कर खुद एक एग्जिस्टिंग सिस्टम बन जाते हैं, जहाँ पर आप खुद एक दूसरे आदमी को फ्रेंचाइज दे सकते हैं, जिसको हम व्यक्तिगत फ्रेंचाइज बिजनेस कहते हैं।